Hey guys, welcome back to my channel. इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं एलविस यादव की ड्राइंग। तो सबसे पहले मैंने गाइस ब्रूस्टर पेपर ले लिया है जो कि हमारा 200 GSM में आता है। तो ब्रूस्टर पेपर लेने के बाद हम एलविस यादव की रेफरेंस फोटो को बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने ग्रिड लाइंस ऑलरेडी बना रखी है एंड इसकी रेफरेंस फोटो आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस ये पार्ट वन है एंड इसके बस दो ही पार्ट मैं लाऊंगा, जो कि सेकंड पार्ट जो होने वाला है इसका वो सेकंड पार्ट रहेगा ओनली शेडिंग का और ये पहला पार्ट है आउटलाइन का। तो फटाफट से हम इसकी आउटलाइन को बनाते हैं, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। ऊपर है हमारे 10 बॉक्सेस 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस हमेशा की तरह, नीचे हैं साइड में 15 बॉक्सेस। तो आप देख सकते हो पेपर साइज लिया है गाइस मैंने A4, इधर है हमारे 10 बॉक्सेस, इधर है हमारे 15 बॉक्सेस। तो फटाफट से स्केल की हेल्प से हम मेज़र करके 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस बना लेंगे। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो हमारे ये बॉक्सेस बन चुके हैं बहुत ही इजीली। तो सबसे पहले अब हम इनके ऊपर मेंशन कर देंगे नंबरिंग ताकि हमको इजी रहे बनाने में एंड आपको भी अच्छे समझ आए। एंड गाइस अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपको क्या करना है। जो आपने ग्रिड बना रखे हैं अपने रेफरेंस फोटो में मोबाइल के अंदर, स्केल को उठाइए और मेज़र कर लीजिए इस तरह से, देख लीजिए बॉक्स को 2 सेंटीमीटर तक मेज़र कर लीजिए। जैसे कि मैंने करा है मेज़र 2 सेंटीमीटर, अलग अलग तरीके से देख लीजिए 2 सेंटीमीटर है ना बिल्कुल अच्छे से, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि कहाँ पर कितनी आई आ रही है, कहाँ तक नोज आ रहा है। इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और ये ट्रिक बहुत अच्छी है। एंड अब आप देख सकते हो मैं आपको बताता हूँ कि आई कहाँ पर आ रही है। तो देख सकते हो 5th बॉक्स में आई हमारी आ रही है अच्छे से, आप देखिए 5th बॉक्स में 6th वाले नंबर पर हमारी आई आ रही है, मतलब कि ऊपर से है 5th बॉक्स एंड साइड से है मतलब कि नीचे से हमारा है 6th वाला बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी आई आ रही है। तो फटाफट से हम इसको बनाना करते हैं चालू। एंड इसी तरह से आपको देखते देखते बनाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है एंड वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से मैं कितना गैप दे दे के बना रहा हूँ एंड कैसे बना रहा हूँ। तो फटाफट से अभी आप वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि मैंने कैसे बनाया है। एंड गाइस आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने बार बार इरेज कराया है यहां पे, क्योंकि मैंने यहां पे अच्छे से मेज़र नहीं करा था, इसलिए आप देख सकते हो मैं यहां पर बार बार इरेज कर पा रहा था। और अच्छे से ऑब्जर्व करिए आप जब भी इसको बना पाओगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी फ़िलहाल नोज़ में आ चुका हूँ, नोज़ में मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं करी थी इसलिए मैं यहाँ पर इरेज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अभी आप फ़िलहाल वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, जहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपको बताना है मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। We'll be right back.
जैसे कि आज आप देख सकते हो एलविस यादव की ड्राइंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आउटलाइन जैसे कि आप देख सकते हो अभी फिलहाल हम बीएड बना रहे हैं, बीएड में हल्की फुल्की सी मैं शेडिंग कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप देख पाओ कि कहाँ पर बीएड है एंड किस तरह से हेयर्स हैं। एंड इसी तरह से गाइज मैं आईज़ में भी शेडिंग कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। एंड उसके बाद मैं गाइज कान बना रहा हूँ एलविस यादव का, तो फटाफट से अभी आप देखें कि मैं किस तरह से इसको बनाता हूँ। एंड जैसा कि गाइज आप देख सकते हो एलविस यादव की आउटलाइन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो वीडियो को करते हैं गाइज यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना आर्ट लवर के साथ। एंड आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पर जाकर इस फोटो को डाउनलोड करो और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।